वेलकम बैक टू मिस्टर कैट। तो आज एक हम नई प्रैक्टिस पॉइंट जो है ड्रा करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी कमांड इस प्रैक्टिस पॉइंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क्स में जाना है, टॉप लेन पर हमें स्केचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ हमें सेंटर पॉइंट स्ट्रेट सॉ लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमें डिस्टेंस दे लेना है, ठीक है, 22.5, 22.5, ठीक है। और उसका हमारा जो पास फर्स्ट रेडियस है वो 18 का है, इसको हमने जो है वो 18 रेडियस का जो है वो सर्कल है 18, इस तरीके से। देन ओके। अब हमने इसको जो है बॉटम पार्ट को जो है एक्सट्रूड कर लेना है, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड में जाना है। इसको कितना एक्सट्रूड करना है हमने, हमारे पास जो है वो गिवन है, अगर 16 ये है और 5 इसमें से माइनस करें तो हमने 11 11 तक इसे एक्सट्रूड कर लेना है। वेट अ मिनट, 16 ये है और 5 ये है, तो 11 11 और 4.5 एंड 1.5, 5.5 तक इसे एक्सट्रूड कर लेना है हमने, 5.5 तक इसे एक्सट्रूड कर लेना है। देन ओके। अगेन इसके ऊपर जाएं, स्केच नॉर्मल, ठीक है। और फिर हमने इसका जो है ये वाला पार्ट जो है वो डिज़ाइन करके यहाँ से होल कट कर लेने हैं इसके अंदर। इसके लिए हमने क्या करना है, गेन स्लॉट लें, सेंटर स्लॉट लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस तरीके से। और इसका जो डिस्टेंस है वो 12.5 है, 22.5 है। और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 13 है, 13। देन ओके। सेंटर लाइन लें, ठीक है, और इस सेंटर के ऊपर हमने जब होल जनरेट करना है वहाँ तक एक सेंटर लाइन ले लें इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमने इसके ऊपर जो है वो होल करना है, तो उसके लिए हमें फीचर्स में जाना है, ठीक है। सो फीचर्स में जाके होल विजार्ड में जाना है, उसके लिए हम इसे एग्जिट करेंगे, होल विजार्ड में जाएंगे, एडवांस होल में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फेस जो है हम ये सेलेक्ट करेंगे और पोजीशन जो है वो हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और जो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उसका जो डाया है वो हमारे पास 7 है, ठीक है, और जो उसकी जो डेप्थ है वो 1 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो डाया है इसको चेंज करके हम इसे मैट्रिक में करेंगे, जो डाया है हमारे पास वो 7 है, ठीक है, और जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 1, ठीक है। उसके बाद हम नया पार्ट इंटर करेंगे, उसको यहाँ से जाके चेंज करेंगे, और ये पार्ट हमारे पास होल होगा, और जो होल है हमारे पास उसका डाया जो है वो 3.4 है और डेप्थ जो है 4.4 है, तो मैट्रिक है। उसके बाद यहाँ से हमें जाके इसे साइज में चेंज कर लेना है, 3.4 है और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास 4.4 है, ठीक है, 4.4 है और 3.4 है। देन उसके बाद हमने हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। पोजीशन में जाएं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट में, ठीक है। देन ओके। सो इस तरीके से जो है वो हमारे होल जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास ये पार्ट भी जनरेट हो गया, ठीक है। सो अब हमने रेडियस देना है 1 1 का, जो हमने फिलेट के तौर पे इस्तेमाल करना है, फिलेट इसको दें 1। देन ओके, इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर स्केच करना है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो जनरेट करना है, उसके लिए हमारे पास ये दो हमें स्लॉट्स ड्रा करनी है। सेंटर पॉइंट स्लॉट्स लें, ठीक है, दो स्लॉट्स ड्रा करनी है, फर्स्ट वन अगेन, इस पॉइंट पर और इस पर, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो हमें देना है 22.5 का ही, 22.5 का ही डिस्टेंस देना है, लेकिन जो रेडियस है वो चेंज करना है, आउटर 7.6 है, इनर जो है वो 5 है, ठीक है। आउटर जो है हमारे पास 7.6 है और इनर जो है वो हमारे पास 5 है। देन ओके। फीचर्स में जाए, एक्सट्रूड में जाना है, तो हमने एक्सट्रूड कर लेना है, और टोटल हमारे पास कितना एक्सट्रूड करना है, 16, ठीक है। सो हमने 5 जो है वो एक्सट्रूड कर, 5.5 एक्सट्रूड कर लिया था। सो
अब हमने 11.5 तक इसे एक्सट्रूड करना है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देना है 11.5 इस तरीके से, ठीक है। 11.5 तक जो हमें एक्सट्रूड कर लेना है, देन ओके। अब हमने स्केच में जाना है, स्केच ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटीज, दिस वन इज टू बी कन्वर्टेड इन कन्वर्ट एंटिटीज, वेट अ मिनट, इसको हमने जो है वो कन्वर्ट एंटिटीज में कन्वर्ट करना है, दिस वन एंड एंड दिस वन, इसको हमने कन्वर्ट एंटिटीज में कन्वर्ट कर लेना है। फीचर में जाना है, इसे एक्सट्रूड में जाना है, ठीक है। इसे हमने कितना एक्सट्रूड करना है, बल्कि हमने इसे बॉटम से एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए हमें बॉटम पे एक प्लेन जनरेट करना होगा, ठीक है। सो हम इसके ऊपर एग्जिट करते हैं, प्लेन ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, कोइंसिडेंट इस तरीके से, देन ओके। इस प्लेन के ऊपर हम स्केच करते हैं, ठीक है, और फीचर्स में जाते हैं, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटीज, ये वाला जो हमने पार्ट है ये हमें प्लेन के ऊपर जाए वो कन्वर्ट एंटिटीज में कन्वर्ट करना है इस तरीके से। या फीचर में जाए, एक्सट्रूड में जाए, ठीक है। ऊपर से 5 है तो वो हो जाएगा 6.5, ठीक है। 6.5 तक हमें इसे एक्सट्रूड कर लेना है, एंड देन ओके। इस तरीके से जो हमारा पार्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये भी R1 का है, तो इसको भी हमने प्लेन हाइड कर दें, और यहाँ पर जो है वो हमने सिलेक्ट करना है R1 का, एंड देन ओके इस तरीके से, ठीक है। सो हमने ये वाला पार्ट जो कन्वर्ट एंटिटीज वाला पार्ट है, इसे हमने हाइड कर देना है इस तरीके से। अब हमें इसके ऊपर होल जनरेट करने हैं, स्केच नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर हमने होल जनरेट करने हैं, वो हमारे पास थ्रू ऑल होंगे, ठीक है। और 22.5 मिड पॉइंट लाइन लें, जो क्या होगी 22.5 की स्मार्ट डायमेंशंस, 22.5 की, देन ओके। और जो होल्स होंगे हमारे पास, वो होल्स होंगे 5 डाया के, इसके ऊपर क्लिक करें, और इसके ऊपर भी एक होल स्मार्ट डायमेंशन में जाएं, इसे हम करते हैं 5, इंटर, देन ओके। इस पार्ट को और इस पार्ट को फेस हम करते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम करते हैं इक्वल, देन ओके, ठीक है। अब हमने इसे एक्सट्रूड कर लेना है, एक्सट्रूड कट कर लेना है, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल, ठीक है। और हमने सेलेक्ट कर लेना है दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, देन ओके। इस तरीके से हमने वो कटिंग भी कर लेनी है। सो हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे प्रैक्टिस ड्राइंग। अब हम उसके ऊपर कलरिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो कलर हम इसके ऊपर दे देते हैं पिंक, या हम लाइट पिंक, ठीक है, या यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं इस तरीके से, देन ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।